लगता है, एकदम रणवीर सिंह लग रही है, wearing one thing over another. Rhino the little rhinoceros है, little rhinoceros. And Baba is Dujoyosaurus. And Mama Teenysaurus. Teenysaurus. And Mama is Mantare. 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 See, I don't like the name. Yeah, then you're and Brahmi is Brontosaurus. Brontosaurus. And Bhaiya is? Bhaiya is Kafadosaurus. भैया ने अभी तक ये नहीं बताया कि का फायदे आज पूछेंगे भैया से क्या फायदे का मतलब का फायदे का मतलब क्या रायना का फायदे का मतलब क्या है रायना का फायदे का क्या मतलब है पर तुझे now that you're seated on this bed क्या हो रहा है इसका मैट्रेस का हम ला रहे हैं नहीं है ये फिर just give me a couple of days I have figured out. I will order it. But तुम बचपन में तुमको बहुत फर्क पड़ता था मैट्रेस से या फिर at that time तो कोई फर्क नहीं पड़ता था. At that time तो no one really cared because everyone was sleeping yeah. on the same bed and no I remember that like a major part of my life I don't think कि मैट्रेस चेंज ही हुआ है मेरे ख्याल से मेरे पुराने घर में मैट्रेस चेंज ही नहीं हुआ तो नहीं होता मैट्रेस नहीं होता और उसमें like kids start to pee on that mattress and it's at some places it's very hard at some places it's absolutely broken down nahi hua tha mere chain now I remember because our bed only broke and then we had to change the mattress par tumhare ghar wo spring wala tha ya wo gadde wala at that point in time koi spring nahi tha us time yeah. it was either used to be what I remember is square फिर उसमें से ऐसे निकलते थे ना वो कॉयर के ऐसे पीसेस सोफे में से भी निकलते थे दोस ब्राउन लिटिल पीसेस यूज्ड टू लाइक जट आउट बट या द मैट्रेस इज कमिंग ज्यादा रो मत इट्स दिस इज नॉट इवन अ प्रॉपर मैट्रेस दिस इज एक्चुअली डे बेड था आईकिया का जिसके हमने मैट्रेस रख लिए और डे बेड हम और डे बेड हां सो दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी स्लेप्ट ऑन मम्मी कोई चीज चेंज करके तो दिखाए तो मम्मी को बिना पूछे आ रहा पर मम्मी ये वीडियो देख लेगी ना मम्मी नानी नानी कर रही थी और मम्मी आज क्या बन रहा है सब वे सूजी के चीले आर यू एक्साइटेड अबाउट सूजी के चीले ये तो कूदने वाला नानी नहीं है नानी तो नहीं कूदती ना बेबीज कूदता है मैं गई ना तो दौड़ दौड़ वो एक भैया लाया वो क्या पता नहीं बोलते उसको तो उसमें सॉन्ग्स लगे थे दो अड़ी साइकिल चला दी आ गया मुझे प्यारी कर दे नो 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 करके भागी फिर आ गई बाद में उन दोनों को मैं लगी ना आने लगी तुम दोनों को चिढ़ा के कहते इट्स माइन दादी लेट्स गो रायना हाउस मैंने बोला बैठ जा आराम से कोई नहीं जा रही है तुझे रायना हाउस लेके रायना दीदी क्या बोलती है दीदी क्या बोलती है अच्छा मम्मा क्या बोलती है वाओ कौन आ गया सुबह सुबह सो दिस इज द फोटो दैट शी वांटेड टू पुट ऑन इंस्टाग्राम और मुझे बोल रही थी कि मैं इसका कैप्शन क्या लिखूं इंस्टाग्राम बहुत बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर तुम वैसे ही बता दो Tell me your McDonald's story and so no you can take as much time I'll give you background कि अवंतिका McDonald's सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे खाती है एयरपोर्ट के McDonald's है और कहीं नहीं कहीं अगर इसे बोल दो McDonald's खाना तो बिल्कुल मना कर देती है so दो बार भैया के साथ खाया था मैंने बहुत भूख लगी थी but वो तो भैया का but that was भैया's decision not yours तो अब बताओ why Okay, so when I was in the call center and I was in Delhi,
तो उस समय हम लोग बस करके जाते थे देहरादून, क्योंकि उस समय ज़्यादा बसेस का ही वो था, ट्रेन वगैरह की नहीं मिलता था। तो मेरे पास एग्जैक्टली 450 रुपये थे और 2 दिन थे सैलरी आने के लिए, एंड मेरे को और मम्मी को जाना था देहरादून। तो उस समय जो बस का जो टिकट होता था वो, अगर तुमको अगर अच्छी बस में बैठना, आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस ऑलरेडी, आई हैव अ फीलिंग। No, no, you have said, मतलब तुमने मुझे बताया हुआ बहुत बारी, but I don't think so. Anyway, दोबारा सुन लो कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना जो बस का जो टिकट था, it was either भी by 450, उसमें खाना भी है और बस का टिकट भी है। तो जो महंगी वाली जो बस होती है वो 200 something की होती थी उस समय। तो अगर हम वो वाला टिकट ले लेते जिसमें मतलब AC लगा हुआ होता है, तो वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। और मैंने और मम्मी ने सोचा चलो हम नॉर्मल बस में जाएंगे, 100, 120, 130 वाली बस में। और फिर हमने जो बाकी बचे हुए पैसे थे, फिर हमने मैकडॉनल्ड्स खाया। एंड आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू एक्चुअली हैव मैकडॉनल्ड्स। पर वो उसमें इतनी ज़्यादा खुशी थी वो खाने में। पर उससे पहले मतलब कौन सा ईयर था ये? और मेरे घर वालों ने दिया था 600 रुपए, तो मैंने फिर अपने दोस्तों से 66 रुपीज लिया था। आई नो दैट। एंड मुझे जो वो थोड़े पैसों में जो वो मतलब उनको जो राइट ऐसे बैलेंस करके जो वो खर्च करने में जो खुशी होती है ना, वो बड़ा मजा आता है। ऐसे प्रिटेंड नहीं करते हैं कि तुम्हें बैलेंस करके कैसे खर्च करना है, वो तुम्हें अभी से 2 साल पहले आता ही नहीं था। इन एनी केस तो तुम मतलब बेसिकली यू कनेक्ट ट्रैवल विद बर्गर, विद मैकडॉनल्ड्स। It's my coolest thing. तो ये जब भी फ्लाइट पे जाती है, तो इफ यू आर फ्लाइंग ऑपरेटिंग ऑन अवंतिका'स फ्लाइट, तो वो तुम्हें भी मैकडॉनल्ड्स देगी। हाँ, एक्चुअली हाँ। तो मैं जब हम पैसेंजर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो केबिन क्रू जो होता है उसके लिए यूजुअली हम कुछ लेके जाते हैं। बट ये केबिन क्रू एटिकेट है, व्हेन केबिन क्रू फ्लाइज, सो केबिन क्रू गेट्स क्योंकि ऐसे कोई नहीं बता रहे कि कल हम मॉल में गए थे, हमने ये करा, चाइनीज खाया, फर्क नहीं पड़ता। हम 2003 में क्या कर रहे थे वो बट अभी कुछ दिन पहले आई ट्वीटेड समथिंग, टेल मी वेदर यू रेजोनेट विद दिस, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुराने गानों के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जॉइंड है। लाइक इफ यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग यू कैन इमिजिएटली जैसे वेरी वॉनबी, बट इन दी एंड अगर मैं सुनता हूँ तो मेरे को अपने पूरे कॉलेज का फ्लैश बैक आ जाता है। बट अब ऐसे हम सॉन्ग्स के साथ, ऐसे पिछले 5-10 सालों में कोई ऐसा सॉन्ग के साथ मैंने कोई बहुत ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं अटैच करी है। इट्स आल्सो बिकॉज़ वी ऑल आवर लाइफ्स आर सो बिजी, लाइक एवरीबॉडी इज इन सो मच भसड। आई वांट टू ब्लेम इट ऑन द बैड सॉन्ग्स। नो, इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ द भसड। आई थिंक वो जो चैन होता है वो ऐसे एक गाने को बार बार सुनना, वो हाँ, तो करते हो या हाँ, बट क्रेव करना कि वो गाना कब आएगा। ओह अच्छा, दैट्स व्हाई वी डोंट। ओह या, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मैंने बेसिकली गानों पे ब्लेम कर दिया था कि अच्छा, आप तो एआर रहमान के कितने कम गाने आते हैं। पहले मोस्ट ऑफ माय मेमोरीज आर अटैच्ड टू एआर रहमान सॉन्ग्स। तो एआर रहमान, ओह शिट, हमें सोनू निगम की उसका इनविटेशन आया। अरे मेरे सपने में आया, दूर जाए आज सोनू निगम। आई कैन नॉट बिलीव दिस, यू आर सेइंग दिस। मेरे आज सपने में आया कि ना 9 बजे पहुंचना है सोनू निगम का और 12 बजे एआर रहमान आएगा। तो मैं बोलूं तुझे कहाँ जाना है, एआर रहमान जाना है या सोनू? बट एआर रहमान, आई वाज जस्ट चेकिंग, सो दिस इज द लास्ट थिंग आफ्टर दैट वी विल फिनिश कॉफी। मैं वो देख रहा था, इट्स अ वेरी गुड वॉच, प्लीज गो एंड वॉच इट, मैडनेस इन द डेजर्ट। तो मैडनेस इन द डेजर्ट इज द मेकिंग ऑफ लगान, तो 2004 में आई थी। तो मैंने मेकिंग
तो वो, और वो 2.5 घंटे की मेकिंग है और इतनी ज्यादा सही है वो, उसमें बोला था उसने वो, हाँ मतलब आतिका खंडाला था बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आई विल टेल यू लेटर क्योंकि लोगों को देखना तो, बट उसमें आमिर खान वेंट टू एआर रहमान फॉर द म्यूजिक, तो आई क्विकली चेक कि दिस, ये मूवी तो 20 साल पहले आई थी, तो एआर रहमान ने लगान के गाने जो कि इतने ज़्यादा सही थे कब कंपोज किए थे, एंड आई रियलाइज ही वॉज 31 he was 33 लाइक हमसे 2 साल छोटा, मतलब एट कैन यू इमेजिन लाइक गुलजार वॉज टेलिंग, गुलजार कह रहा हूँ, जावेद अख्तर वॉज टेलिंग हिम द लिरिक्स एंड ही वॉज कंपोजिंग इट, मतलब वो किस लेवल पे टैलेंटेड होगा कि लाइक एट 33 वॉज डूइंग लगान, और तब तब ऐसा ऐसा नहीं था कि ए आर रहमान गाने कर रहा है तो ऑफकोर्स गाने तो म्यूजिक में था, मतलब म्यूजिक से ही म्यूजिक तो मूवी तो अच्छी ही होगी, मूवी अच्छी ही होगी कि अभी अभी भी वो किसी किसी, हाँ अभी भी किसी मूवी के वो कर रहा था गाने और मुझे लग रहा था कि ये मूवी तो सही होगी, पता नहीं आ चुकी है आने वाली है, आई डोंट रिमेम्बर सम सम, ओके आई एम सॉरी बट आई नीड टू गो टू द बाथरूम, बाय. Squeeze. Are you done? Are you done, guys? Raina is done. Squeeze. I like to do one. ऐसा नहीं कि उसमें है नहीं, उसमें जान है. Squeeze. Done. मैंने एक भी नहीं खाया, उस दिन सारा रहना, इसको एटी भी करते हैं, इसको एटी नहीं करते फिर कपकेक से क्या करते हैं, हाथ गंदे करते हैं, घी डालेंगे ठीक है रहना, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा एटी कर लो, मैंने वन बाइट खा के देखो, इट्स वेरी यम्मी, यम्मी है ना, इस ब्राह्मी और स्पिरिट एनिमल गाइस, व्हेन इज ईटिंग, व्हेन इज ईटिंग, आई नो इट्स अ रेयर, व्हेन इज इट यम्मी, या राइना, डू यू नो इट्स नॉट अ टॉय कपकेक, ओपन योर माउथ, Rami, what are you doing, Rami? Rami, I see everybody is making fun of your noodle habits. Oh.